टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और पहला मैच साउथ अफ्रीका श्रीलंका का डन। दो मैच हैं आज, दूसरे दिन पहला मैच वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, पार्ल में ये मैच है। पार्ल से कुछ याद आ रहा है? ऐसे टी20 जिसका आज फाइनल है वहां, या कहिए उस टूर्नामेंट के ऐसे पार्ल में जितने मैच हुए ना, सब के सब में एक बात बड़ी कॉमन थी, और वो ये कॉमन थी कि जो पिच थी वो लो स्लो थी और स्पिन फ्रेंडली थी। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ स्पिनर्स का राज चलेगा, और स्पिनर्स का राज चलेगा तो दोनों स्क्वाड में कौन से वो ऑप्शंस हैं जिनको लेकर दोनों टीमें प्लेइंग 11 में जा सकती हैं, और डिसीजिव फैक्टर साबित हो सकते हैं, कह सकते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं इस मैच में कौन है। बात करते हैं प्लेइंग 11 के साथ। सबसे पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं वेस्ट इंडीज का, क्या प्लेइंग 11 होने जा रहा है वेस्ट इंडीज का। तो रसाडा विलियम्स जो कि विकेट कीपर भी हैं और ओपनिंग भी करेंगी, दूसरा ओपनर जो है उसको लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कप्तान हीली मैथ्यूज लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगी और ओपन आएंगी, ऐसा नहीं करेंगी जैसा उन्होंने अभी ट्राई सीरीज में करा था कि कभी 4 नंबर कभी 5 नंबर और एक मैच में शायद 6 पर भी आई थी। तो अगर आप 6 पर आ रही हैं आपका कोई यूज ही नहीं है, आप ओपन करिए जैसा आपने लास्ट लीग मैच में किया। तो उम्मीद ये है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का दौर था और अब चीजें शिथिल हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, शिथिल क्या बोल रहा हूँ मैं पता नहीं, स्टेबल हो जाएंगी, और स्टेबल होने का मतलब है कि अब वो करेंगी ओपन। तो हिली मैथ्यूज रसाडा विलियम्स के साथ 3 नंबर सीमेन कैम्बेल को मिलने का संभावना है, 4 नंबर जायदा जेम्स जिन्होंने अभी डेब्यू किया अपना पिछले ट्राई सीरीज में ही और प्रभावित भी किया, एक अच्छी 28-30 रन की पारी खेली इंडिया के खिलाफ आपको याद होगा। तो 4 नंबर जायदा जेम्स को मिलेगा, 5 नंबर सबिका गजनबी, 4 ओवर डालेंगी, बॉलिंग करती हैं, 5 नंबर पे गेम कवर इनका अच्छा ही रहता है, 6 नंबर किसको, नेशन को, सी नेशन, फिर 7 नंबर चैनल हेनरी, देन फिर एलिना एलिन, देन फिर एफी फ्लेचर, समीलिया कुलेन और करिश्मा रामभरक। ये प्लेइंग 11 रहने की संभावना है वेस्ट इंडीज की। बॉलिंग ऑप्शंस की अगर आप बात करेंगे तो 3 स्पिन ऑप्शंस इसमें बनते हैं, एफी फ्लेचर हैं, करिश्मा रामभरक हैं और कप्तान हीली मैथ्यूज हैं। पेस ऑप्शंस की बात करें तो समीलिया कुलेन हैं, एलिना एलिन हैं, सबिका गजनबी हैं, और उसके अलावा आप अगर एक और ऑप्शन ढूंढेंगे तो जायदा जेम्स के रूप में एक स्पिन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मतलब इस प्लेइंग 11 में जो ये बन रही है इसमें लगभग 7 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास ऐसे हैं जिनसे आप 4 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेन स्टेज ऑफ मैच। दूसरी तरफ इंग्लैंड का जो प्लेइंग 11 है वो क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, तो इंग्लैंड का प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से हो सकता है कि डैनी वेट ओपन करेंगी और उनके साथ ओपन करेंगी सोफिया डंकली। अभी रिसेंटली डंकली ने ओपनिंग करना शुरू किया टी20s में, तो ये जोड़ी बनी रहेगी और दोनों आपको पता है कि बहुत फायरी प्लेयर हैं, बहुत तेज खेलती हैं। 3 नंबर एलिसा कैप्सिक हो जाएगा, अमूमन कप्तान हीथर नाइट यहाँ खेलती हैं, लेकिन एलिसा कैप्सी में जो संभावनाएं हैं और पिछले कुछ टाइम से का जो दौर रहा है, मुझे लग रहा है कि एलिसा कैप्सी को ये 3 नंबर खिलाएंगे। 4 नंबर नेट स्काइबर ब्रंट को जाएगा, 5 नंबर जाएगा हीथर नाइट को, 6 नंबर विकेट कीपर एमी जोन्स को, 7 नंबर सोफिया क्लस्टन, फिर 8 नंबर कैथरीन स्काइबर ब्रंट को, फिर उसके बाद सारा ग्लेन, चार्लो डीन और केट क्रॉस। और मैंने 2 बार स्काइबर ब्रंट बोला, आपने कुछ नोटिस किया क्या? एक्चुअली नेट स्काइबर और कैथरीन ब्रंट आपको पता है कि दोनों लेस्बियन है, कह सकते हैं मैरिड हैं दोनों एक दूसरे से, और अभी उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने जो सरनेम है उनको सेपरेट नहीं रखेंगे, नेट स्काइबर नहीं रहेंगी, कैथरीन ब्रंट नहीं रहेंगी, नेट स्काइबर ब्रंट और कैथरीन स्काइबर ब्रंट रहेंगी, तो वही मैंने नया नाम इनका बोला। इसमें भी अगर बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो कैथरीन स्काइबर ब्रंट, केट क्रॉस और नेट स्काइबर ब्रंट, 3 आपके पास पेस बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और स्पिन ऑप्शंस की तो भरमार है। मतलब 3 तो लीड स्पिनर हो गए आपके, एक्लस्टन होगी, ग्लेन होगी, डीन होगी, उसके बाद फिर जरूरत पड़े तो डंकली से करा लो, कैप्सी से करा लो और करा लो डैनी वॉर्ड से। तो ऑब्वियसली इंग्लैंड की टीम पेपर पे भी वैसे भी मजबूत है वेस्ट इंडीज के कंपैरिजन में, और फिर सिचुएशन के हिसाब से, पिच के हालात के हिसाब से भी मजबूत इंग्लैंड ही लग रही है, तो समझ जाइए कि मैच आप ये मानिए कि जीतेगा इंग्लैंड ही। दूसरी तरफ मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स जो इस मैच के हैं वो कौन है, सोफिया क्लस्टन, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हुआ तो आप मान के चलिए 3 विकेट इनके पक्का है, फिर उनके साथ चार्लो डीन, ये भी कम किसी से नहीं है कि आप एक्लेस्टन के ओवर निकालने जा रहे हैं, चार्लो डीन उधर से विकेट्स ले जाती हैं, हीली मैथ्यूज गेम कवर बहुत एक्सीलेंट है, 4 ओवर में विकेट भी ले सकती हैं, रन भी बना सकती हैं, सबिका गजनबी इनका गेम कवर अच्छा और फॉर्म अच्छा है,
भारत के खिलाफ 40 प्लस की एक इनिंग खेली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 की इनिंग खेली, विकेट्स भी एक आध निकाल ही लेती हैं। नेट स्काई ओवर, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो गेम कवर इनका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 नंबर बैटिंग करेंगे और कम से कम 2 ओवर तो गेंदबाजी जरूर करेंगी। एलिसा कैप्सी, अगर 3 नंबर पे इनसे बैटिंग कराई जाती है और 2 ओवर की भी गेंदबाजी कराई जाती है तो इनका भी गेम कवर एक्सीलेंट रहेगा, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने जा रही है। अब आ जाते हैं फैंटेसी टीम पे, क्या होने जा रही है आपकी फैंटेसी टीम। लेकिन सबसे पहले वो फैंटेसी आपको ट्राई का करनी है, तो दोस्तों वो आपको ट्राई करनी है विजन 11 ऐप पर। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर दे रखा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और शुरू कीजिए अपनी जीत की जर्नी, क्योंकि यहाँ आपको बोनस से लेके डिपॉजिट ऑफर से लेके और फ्री गिव अवे तक हर मैच में डेली मिलता है। अब फैंटेसी टीम देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्मॉल लीग टीम, ग्रैंड लीग पे बाद में आएंगे। तो स्मॉल लीग टीम में विकेट कीपर एमी जोन्स और रसाडा विलियम्स दो ऑप्शन, लेकिन मैं रसाडा विलियम्स के साथ जा रहा हूँ। एक तो 7 प्लेयर लेने वाली जो लिमिटेशन है उसको, क्योंकि टीम में विजन 11 को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, वो भी एक कारण है। दूसरा एमी जोन्स एट 6, और जो टॉप 5 है वेस्ट इंडीज का, जो बैटिंग लाइनअप है उसको देखते हुए, बॉलिंग लाइनअप है उसको देखते हुए, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के टॉप 5 में बात खत्म हो जाएगी। तो रसाडा विलियम्स ओपनिंग भी करेंगी और विकेट कीपिंग भी, तो फ्रंट रनर हो गई। फिर उसके बाद 3 बैटिंग ऑप्शन में लेके जा रहा हूँ, डैनी वॉट और डंकली हो गई, प्लस कौन हो गया, सीमेन कैंपबेल, 3 नंबर खेलेंगी, गेम कवर इनका अच्छा रहेगा। 4 ऑलराउंडर्स हैं जिसमें स्काइवर कैप्सी को लेना जरूरी है, तो फिर कैथरीन स्काइवर ब्रंट, मतलब दोनों स्काइवर ब्रंट प्लस कैप्सी एंड देन हीली मैथ्यूज। और हीली मैथ्यूज कैप्टन रहेंगे क्योंकि ओपनिंग करेंगी, 4 ओवर स्पिन के डालेंगी, और अगर वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग करता है तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर कैप्टन हीली मैथ्यूज, और 3 आपके हो गए बॉलिंग ऑप्शंस, कौन आपका, देखिए सोफी क्लस्टन और वही आपकी वाइस कैप्टन भी होंगी, चार्लो डीन, सबका गजनबी। इंग्लैंड चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे बाद में बॉलिंग करे, एक्लस्टन को विकेट्स मिलेंगे ऐसी संभावना है। सारा ग्लेन को जरूर ड्रॉप किया है, तो चार्लो डीन है जो रिसेंटली फॉर्म जिनका अच्छा रहा है उसी वजह से, और सभी का गजनबी से बल्ले से रन भी मिलते हैं, बॉल से विकेट्स भी मिलने की संभावना है, इसलिए इनको मैंने लिया है। तो ये आपकी होगी स्मॉल लीग टीम। अब चलते हैं ग्रैंड लीग पे, लेकिन उससे पहले आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, कैसे करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत आसान बहुत सुलभ तरीका है, ठीक है। इनकेस अगर लिंक से ज्वाइन ना कर पा रहे तो सीधा जाइए टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाकर सर्च कीजिए क्रिकेटोलॉजी, ढेर सारे चैनल दिखेंगे, उसमें से फिल्टर करके अपना जो ओरिजिनल चैनल है उसी को ज्वाइन करिएगा, फेक चैनल्स पे मत जाइएगा, ठीक है। चलिए ग्रैंड लीग टीम, विकेट कीपर फिर से रसाडा विलियम्स ही रहेंगी हमारी, 3 बैटिंग ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करा कि सीमेन कैंपबेल की जगह नेसन को लेकर आ गया, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, कोई फर्क नहीं है, वहां 5-6 पे भी गेम कवर ठीक ठाक रहेगा, 3 पे भी ठीक ठाक रहेगा। ऑलराउंडर यहाँ पे कैथरीन ब्रंट को कम करके तीसरी स्पिनर जो इंग्लैंड की है उनको हम लेकर आ रहे हैं, तो ऑलराउंडर 3, कैप्सी स्काइवर और मैथ्यूज, एक ऑलराउंडर ड्रॉप कर दिया, कैप्सी कैप्टन, अगर 3 नंबर बैटिंग करेंगी 2 ओवर भी डालती है तो परफेक्ट चॉइस है, स्काइवर 4 नंबर बैटिंग 2 ओवर तो ये भी परफेक्ट चॉइस है, फिर नीचे, और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगा तब तो ये बहुत बढ़िया चॉइस है, ठीक है। नीचे फिर 4 बॉलर देखें, डीन ग्लेन और एक्लेस्टन, मतलब तिकड़ी स्पिन की, और प्लस उनके साथ एफी फ्लेचर ग्रुप में एक और स्पिन ऑप्शन, तो इस तरीके से ये आपकी बनी ग्रैंड लीग। आज के दूसरे मैच की वीडियो भी आएगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात का ये सिलसिला पूरे वर्ल्ड कप में जारी रहेगा, और या यूं कहिए कि रहती दुनिया तलक जारी रहेगा, इसलिए अपना प्यार देते रहें, ट्विटर इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।